हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इंडियन एयरफोर्स से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। यदि आप भी 10वीं और 12वीं पास हैं तो आप भी इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में विशेष ये है कि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए महिला भी फॉर्म अप्लाई कर सकती है, यानी कि महिला भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकती है। पुरुष तो ऑलरेडी ही अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें आपकी जो एज है वो भी बढ़ाई गई है, यानी कि आपकी एज है वो बताई गई है 18 से लेके इसमें 30 वर्ष। यदि आप 18 से लेके 30 वर्ष के बीच आपकी उम्र है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स, फिर आपको इस भर्ती प्रक्रिया में बताया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपको ग्रुप सी की वैकेंसीज मिलेगी। ग्रुप सी की वैकेंसीज मिलेगी, टोटल ऑफ वैकेंसीज आपको 292 पद मिलेंगे। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो 292 अप्रोक्स वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है। इन वैकेंसियों को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है, वैकेंसी को इंक्रीज भी किया जा सकता है। और ये भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का नोटिफिकेशन आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप इस प्रकार की नोटिफिकेशन रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना। इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन वैकेंसीज, ये सिविलियन की वैकेंसीज आपको मिल रही है। यदि आप भी सिविलियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये वैकेंसीज मिल रही है। इसके बाद जो है आपको इसमें बताया गया है, भारतीय वायुसेना में जाकर नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की तरफ से ग्रुप सी सिविलियन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया की जा रही है। तो ये वैकेंसीज जो है सितंबर माह की वैकेंसीज रहने वाली, सितंबर माह 2021 की ये वैकेंसीज रहने वाली है। और इसमें आपको जो है ग्रुप सी की वैकेंसीज मिलेगी, और इसमें आपको कमांड वाइज वैकेंसीज बताइए, यानी कि कमांड वाइज वैकेंसीज बताइए, जोन वाइज वैकेंसीज आपको बताइए। तो सबसे पहले आपको इसमें ग्रुप सी की जो वैकेंसीज बताइए, मुख्यालय इसमें रखरखाव कमांड में 153 है, यानी कि ग्रुप सी की सिविलियन की वैकेंसी है 282। इसके बाद जो है मुख्य जो मुख्यालय है रखरखाव कमांड 153 वैकेंसीज आपको यहां से मिल रही है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके साथ आपको मुख्यालय पूर्वी वायु कमान है, यानी कि जो पूर्वी वायु कमान है उसमें 32 वैकेंसीज आपको मिलेगी। इसके साथ यदि आप मुख्यालय दक्षिण पश्चिम वायुसेना कमान से, जिसमें आपका जोधपुर है, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो 11 वैकेंसीज आपको मिलेगी। इसके साथ फिर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज बताई गई है कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज मिल रही है, SC ST OBC की, वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी देंगे। सितंबर 2021 का नोटिफिकेशन है और अभी आपको पता है ये वैकेंसीज निकाल दी गई है। इसमें आपको काफी सारी वैकेंसीज मिल रही है, तो यहाँ ये वैकेंसी डिटेल्स आपको बताइए। तो सबसे ज्यादा देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आपको मिल रही है 18 वैकेंसी। ये जो वैकेंसीज है 10th पास है, यदि आप 10वीं पास है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको प्रत्येक पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताएंगे। हाउसकीपिंग की 15 पोस्ट है, हिंदी टाइपिस्ट की 3 पोस्ट है, लॉ डिवीजन कलर 10 पोस्ट आपको मिल रही है। महिला इसके लिए जरूर अप्लाई करें क्योंकि लॉ डिवीजन कलर की वैकेंसीज आपको मिल रही है, और इसके साथ ड्राइवर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो ये वैकेंसीज आपको, निम्न वैकेंसीज आपको इस भर्ती प्रक्रिया में जो पोस्ट है आपको मिल रही है, तो ये पोस्ट जो है आपको मिल जाएगी। इसके साथ आपकी शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता जो है आपको इसमें पहले अधीक्षक की जो वैकेंसीज मिल रही है, इसमें विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। यदि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, यदि आपने बैचलर डिग्री इसके साथ डिप्लोमा कर रखा है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसीज लो डिवीजन कलर की मिल रही है, यानी कि LDC के लिए इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, 12वीं पास के साथ साथ टाइपिंग नॉलेज होना अनिवार्य है। इसके साथ आपको नेक्स्ट वैकेंसीज जो मिल रही है स्टोर कीपर की मिल रही है, तो स्टोर कीपर के लिए 12वीं पास या इसके समकक्ष भी आवेदन कर सकते हैं। यदि 12वीं पास के समकक्ष आपके पास अन्य कोई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कुक के लिए, 10th पास है। अब ये जो आपको पोस्ट बताई जा रही है जिसमें आपकी पेंटर है, कारपेंटर है, कुपोर सीमित है, सीट मेटल वर्कर्स है, और इसके साथ ऐसी मैकेनिक है, फिटर है, हाउसकीपिंग है, स्टाफ लॉन्ड्री मेल है, मेस स्टाफ है, MTS है, ट्रेलर है, ट्रेड्समैन है, पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से यदि आपने 10वीं कर रखी है तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको पोस्ट बताई गई ट्रेड्समैन, टेलर, MTS, मेस स्टाफ, लॉन्ड्री मेल, सॉरी यहाँ आपको हाउसकीपिंग स्टाफ, इन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है 10th पास। इसके साथ हिंदी टाइपिस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कम से कम 12वीं पढ़े लिखे होना अनिवार्य है। इसके साथ बात की जाए, अभी हम आपको इसमें एज क्राइटेरिया समझाएंगे। तो एज आप यहाँ इसमें देख सकते हो, सबसे पहले एज की बात करें तो आपकी एज जो है इसमें आपको बताई है कि जो नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, तो अभी ये नोटिफिकेशन अगस्त में प्रकाशित हुआ है तो अगस्त से इसमें एज की गणना की जाएगी। ये जब ये नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है तो इस नोटिफिकेशन की जो में न्यूज़पेपर में जो खबर की पुष्टि है उस डेट से लेके, यानी कि ये जो है आपको बताया गया है कि 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त, यानी कि 12 अगस्त से लेके या 19 अगस्त तक का जो रोजगार प्रकाशन है उसमें ये डेट्स जो है आपको बताई गई है। इस नोटिफिकेशन को आप, नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताया गया है। तो एज की गणना जो है आप माने तो अगस्त से की जाएगी। इसके बाद जो है इस नोटिफिकेशन के आधार पे आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष है, ये है जनरल के लिए, ये आपकी जनरल के लिए है। इसके बाद जो है आपको बताया गया है ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए 18 से लेकर
18 से लेके 28 वर्ष है और एस सी एस टी आपकी रहने वाली है 18 से लेके 30 वर्ष। अभी आप देख सकते हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आया है और इस नोटिफिकेशन में आपको कंप्लीट जानकारी समझाई गई है। ये सभी के सभी ग्रुप सी की वैकेंसीज है। अब बात करेंगे कौन से कमांड से कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है, तो ये कमांड्स आपको बताए गए हैं। तो सबसे पहले नागपुर कमांड जो है आपको बताया गया, कानपुर बताया गया है, कानपुर है, और इसके बाद चंडीगढ़ है, ये कानपुर का फिर से है, और ये तमिलनाडु आपको बताया गया है, अवधि, चेन्नई ये सबसे बेस्ट है, और इसके साथ जो है पुणे है, और इसके साथ महाराष्ट्र है, न्यू दिल्ली है, असम गुवाहाटी है आपको यहाँ बताया गया है, और दिल्ली कैंट है, और इसके साथ जो आपको बताया ये भी जो है अवधि तमिलनाडु का कमांडिंग एरिया है, और इसके साथ डिस्ट्रिक्ट नासिक। काफ़ी सारी वैकेंसीज की यदि हम बात करें तो ये वैकेंसीज जो है आपको दक्षिण भारत से मिल रही है, लेकिन यहाँ आपको हरियाणा से भी वैकेंसीज मिल जाती है। यहाँ सात वैकेंसी ट्रेड्समैन मेट की आपको मिल जाएगी, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बड़ी वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपको बताया गया HQ जो ईस्टर्न कमांड जो आपको बताया गया उसमें कितनी वैकेंसीज आपको मिल रही है, कौन कौन सी जॉन जो है इसमें शामिल किए गए हैं, वो जॉन जो है आपको यहाँ बताए गए हैं। यदि आप महाराष्ट्र से या जोधपुर से अप्लाई करना चाहते हैं तो जोधपुर में एक वैकेंसी है ओनली कारपेंटर की, तो ये कारपेंटर की वैकेंसीज आपको बताई गई है, और इसके साथ आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष रखी गई है। जो OBC को 3 साल की, SC ST को यहाँ 5 साल की है, और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट इस वृत्ति प्रक्रिया में मिल रही है। इसके साथ यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल समझाई गई है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। फाइनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ही मान्य होगी। इसके साथ बात करें यहाँ 30 डेज इसमें बताए गए हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में प्रकाशित होने के बाद 30 देर तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैटेगरी आपको डिटेल्स जो है आपको देनी है, इसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म जो है आपको बताया गया के लिए, यदि आप अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपल आपको फॉर्म बताया गया है। यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं और आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में इस फॉर्म का लिंक दे देंगे और आप आसानी से अप्लाई कर सकेंगे।